अभी तक उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये भेड़ियों का आतंक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी नजर आने लगा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू। दरअसल भेड़ियों की जो आमद है वो अब सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं है, ये अब बढ़ चुके हैं। ये लखीमपुर में भी अब अपनी आमद दर्ज करवा रहे हैं, ये अब वाराणसी में भी हमला कर रहे हैं और इन्हें देखा जा रहा है कई और भी ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच की सीमा पर ये भेड़िये मौजूद थे, जो कि बहराइच के आसपास के तकरीबन 35 से 40 गांव में हमला करना शुरू किए थे और उसके बाद ये 55 गांव तक पहुंच गए थे, लेकिन अब इनका जो क्षेत्र है ये बढ़ गया है। दरअसल हम देखते आ रहे हैं कि 5 भेड़ियों को पकड़े जाने के बाद जो छठा भेड़िया है वो और ज्यादा खूंखार हो चुका है और अब वो और ज्यादा हमले करने लगा है। हाल ही में एक महिला पर उसने हमला किया है, एक ग्रामीण पर उसने हमला किया, एक बच्ची की उसने नाक काट दी है और ऐसे जो चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, इलाके में दहशत का माहौल है। अभी तक सिर्फ देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में ही वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन जुटा हुआ था कि किस तरीके से इस भेड़िये को पकड़ा जा सके, लेकिन 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी अभी राहत नहीं मिली है क्योंकि अभी और भेड़िये अपनी आमद दर्ज करवा रहे हैं, आतंक फैला कर रखे हुए हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था किस तरीके से वन विभाग की टीम ने ड्रोन से नजर बनाए रखी और उसके बाद भेड़ियों को पकड़ा जा सका है। मार्च से हमले शुरू हुए थे और ये हमले लगातार अभी भी जारी है। लखीमपुर में भेड़िये ने हमला करना शुरू कर दिया है। एक और आपको सही बात बता दें कि अभी ये भी नहीं मालूम है कि तकरीबन कितने भेड़िये हैं जो कि इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक भेड़िया और बाकी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने और ज्यादा भेड़ियों को देखा है। अगर ये ज्यादा भेड़ियों की संख्या है तो वाकई में हैरानी की बात है और वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार जंगली जानवर क्यों अब इलाके में आमद दर्ज करवाते हुए नजर आते हैं। साथ ही हमने देखा कि कुछ और भी जंगली जानवर जैसे सियार हो गए, तेंदुआ हो गए, भालू हो गए, अब ये जानवर आखिरकार क्यों रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि हमने देखा है लगातार ऐसी खबरें जहां पर रिहायशी इलाकों में तो आते ही हैं, घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़े नजर आ जाते हैं और अब ये डर का माहौल बहुत ज्यादा होने लगा है क्योंकि ग्रामीणों की जान का खतरा बढ़ गया है। भेड़ियों के साथ साथ अन्य जंगली जानवरों की दस्तक से अब आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ये सिर्फ अब ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, अब ये कस्बाई इलाकों तक भी पहुंच चुके हैं। खास तौर पर हम भेड़ियों की बात कर रहे हैं क्योंकि भेड़ियों की जो भेड़ियों का जो तांडव है वो पूरे इलाके में तो देखा ही जा रहा था बहराइच के, लेकिन अब ये बढ़कर धीरे धीरे लखीमपुर में भी पहुंच चुका है, वाराणसी में भी पहुंच चुका है जहां पर भेड़ियों ने हमला किया और वाराणसी में भेड़ियों के हमले से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।